अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी ओ बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस्लामिया 201 का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 है ओबीडियंस ऑफ गॉड। ओबीडियंस क्या होता है? यानी हुक्म मानना, ताबेदार करना, फरमा बरदारी करना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? ओबीडियंस ऑफ गॉड यानी क्या? अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करना, उसके हुक्म मानना, उसकी ताबेदारी करना, उसके सारे हुक्म को मानना। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये बताया गया, इसके अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं। मेजॉरिटी आपको आयत दी गई है, तो आप ये देख लीजिएगा। और इसमें जो है आपको बहुत छोटा लेक्चर है 2 स्लाइड पर, तो यहाँ पर आपको लेक्चर नंबर 3 जो है कम्प्लीट हो। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो मैं इसको थोड़ा और वजाहत कर देता हूँ। क्या एक बार आप आयत पढ़ेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, आपको जो कॉन्सेप्ट सही लगेगा वो आप ले लीजिएगा, वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं, डाटा शुरू करते हैं। है क्या? तो जैसे कि आपको पता है ऑबिडेंस ऑफ गॉड यानी अल्लाह ताला की पैरवी करना, उसके हुक्म को मानना। तो जो भी चीज़ें उसके हुक्म में आती हैं आप आराम से मेंशन कर सकते हैं। ये बहुत आसान टॉपिक है। आप देखें यानी अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया वो आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने कहा है भाई नमाज़ें पढ़ो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अमल करो, सुन्नत का अमल करो, तो नमाज़ ज़कात हज दिया किया गया, उस तरीके से आप आराम से एंटर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें कोई इतना मुश्किल टॉपिक है नहीं। आप चाहे तो बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, फरिश्तों का जिक्र कर सकते हैं कि उसने पहाड़ बनाया, आसमान बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, ताकि तुम गौर फिक्र कर सको। तो इस तरीके से आप चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑपरेशन ऑफ गॉड होता क्या है। ठीक है, हमें उसके अहकाम क्या होते हैं देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि फॉर द रूफ ऑफ दोज हू रॉन्ग डोर्स एंड जस्टिस पीपल वॉज कट डाउन नाउ प्रिजर्व बिलोंग टू गॉड एंड हु इज अ लॉर्ड ऑफ हिम। ठीक है, सारी तारीफें जो है बस खुदा के लिए हैं। ठीक है, अब वही इस यूनिवर्स का मालिक है। ठीक है, अब वही एक ला शरीफ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम छोटी सी आयत दी गई है, इसका तर्जुमा ये मैं एक्यूरेट पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ ताकि कोई गलती वगैरह ना हो। ठीक है, तो आइडिया दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अल्लाह ऑर्डर द मुस्लिम टू ऑबे हिम एंड ऑबे हिज प्रॉफिट। ठीक है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम मेरी ताबेदारी करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करो। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहा गया इसमें। इसको आगे आपको ये कहा गया कि इफ़ यू शुड कुरर और एनी थिंग और रिफर्स टू योर गॉड एंड द मैसेंजर, इफ़ यू बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट। ठीक है, अगर तुम कोई भी चीज़ कोई भी मसला फाइंड करना चाहते हो तो तुम अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करो, यानी कि हमारे कुरान मजीद है। ठीक है, जो हमारे अजीज है उसको देखते हुए उस मसले को सॉल्व करो। तो ये बताया गया। ठीक है, ये नहीं कि जो आपकी मर्जी से जो कहती है। ठीक है, शरीयत के मुताबिक अमल करो। ठीक है, इफ़ यू बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरी यानी कयामत के दिन पर यकीन रखते हो तो यानी मुस्लिम हो तुम, टू ऑबे अल्लाह इज़ टू फॉलो हिज बुक एंड टू ऑबे हिज प्रॉफिट टू फॉलो। ठीक है, वही बात की गई है, टू ऑबे अल्लाह इज टू फॉलो हिज बुक, अगर तुम अल्लाह को मानते हो तो उसकी किताब पे यकीन करो यानी उसको फॉलो, उस पर अमल करो, उसको देखते हुए मसले में सारी सॉल्व करो। एंड टू ऑबे द प्रॉफिट टू इज फॉलो द सुन्नत, और प्रॉफिट को मानते हो तो प्रॉफिट की सुन्नत पर अमल करो। ठीक है, तो ये बताया गया है। कह रहे हैं आफ्टर मी यू शेयर बी रूल बाय रूलर। ठीक है, रूल यू मे, वही कह रहे हैं राइटर्स रूलर यू रूल यू टू राइटर्स, जो अच्छा लीडर होगा वो आपको अच्छा की तरफ लेकर जाएगा। एंड शेमलेस रूल शेमलेस, जो बुरा शेमलेस लीडर होगा वो आपको शेमलेस की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सिंपल बताया गया आगे। तो आगे चलते हैं, आप बताया गया इफ़ यू शुड कुरर एनीथिंग रिफर टू योर गॉड एंड द मैसेंजर, वही बात की गई है। इफ़ यू बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट, तो वही बात की गई है कि अगर तुम मतलब यकीन रखते हो तो अल्लाह ताला के हुक्म की तबाही करो, आपसे सुन्नत पे अमल करो। ठीक है, अगर तो फिर आपके दिन पर यकीन रखते हो। ठीक है, ऑफ कोर्स द मीनिंग ऑफ रिफरिंग सच अ मैटर टू अल्लाह शायद इज टू बी रिफर टू द कुरान। ठीक है, वही क्या है, कोई भी मसला होता है वो अल्लाह ताला के ही दिए हुए होते हैं, यानी कि किताब हासिल की गई है वो अल्लाह ताला की तरफ से की गई है। ठीक है, तो वो गलत नहीं हो सकते। ठीक है, तो कुरान वाले मीनिंग ऑफ रेफरिंग टू द प्रॉफिट रिफर टू द सुन्नत। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी अकाम है वो कुरान सुन्नत के मुताबिक ही है। ठीक है, तो ये कहा गया है यहाँ पे। इसके अलावा आगे कह रहे हैं कि तो कुरान सुन्ना कंस्टिट्यूट कंक्लूसिव सोर्स ऑफ रिलेशन इस्लाम। ठीक है, तो इस्लाम पे बताया हुआ तरीका, इस पर हमें अमल करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इस लेक्चर में आपको ये बताया गया, तो ज़्यादा खास ये है नहीं। ठीक है, तो 2 स्लाइड का लेक्चर है, ये मैंने आपको समझा दिया। इसमें क्या आप कुछ भी आराम से वीडियो देखें। ठीक है, मेन हेडिंग निकालें और हेडिंग याद करें, हेडिंग के बाद जो है आप लिख के आ जाए, बहुत सी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो को स्टार्ट में बता चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे आप लोग को वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।